Hello, Alina. Hello. So, friends, we are making a video for Alina today. Okay? So, बहुत सारे parents और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि Alina एक छोटी बच्ची है जो 2.5 years की है, तो अगर हमको इतने छोटे बच्चों को पढ़ाई करवाना है तो कैसे कराएं? ठीक है, तो अभी Alina के लिए हमने बहुत सारे ट्रिक्स बनाए हैं जो हम यूज करते हैं. जैसे Alina को अगर हमें राइटिंग सिखाना है, अल्फाबेट सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे? इस पे सिखाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी बच्चों को कुछ राइटिंग का सिखाना हो तो उन्हें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाना चाहिए. क्या सिखाना चाहिए? स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन करने के लिए अभी Alina को मम्मा एक पेन देंगे. ओके, इस पे लाइन बनाओ बेटा. वेरी गुड. ओके, अब इस तरह से आप काफी सारी प्रैक्टिस करवा सकते हो बच्चों को स्टैंडिंग लाइन की, डॉट्स के जरिए. क्योंकि ये Alina ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है इसलिए इसने इतनी जल्दी बना दी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हो. फिर हम एक तिरछी लाइन की प्रैक्टिस कराएंगे, क्रॉस लाइन. इस पे लाइन बनाओ बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड बेटे. सो इस तरह से उनको पहले आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए. फिर ये एक है स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन. ओके, तो इस तरह से. वेरी गुड. इस तरह से हम पहले सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अभी हम इन्हें सर्कल, सेमी सर्कल वगैरह नहीं सिखाएंगे क्योंकि उससे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो अब जब हमें लाइंस आ गई हैं तो अब हम लिखना सीखेंगे ए. क्या लिखेंगे हम? ए. ए. तो ए के लिए बच्चों को पहले हमने बहुत ही कम डिस्टेंस के डॉट्स बना के देने हैं. पहले आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करवाइए. लिखो बेटे, इससे लिखो. वेरी गुड. क्योंकि Alina की प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए Alina ने पूरा ए बना दी. तो पहले आपने सिर्फ एक्चुअली इस इतना सिखाना है बच्चों को, क्योंकि आप अगर सेंटर डॉट्स भी दोगे उनको तो वो और कंफ्यूज होते हैं. तो पहले आप इतना प्रैक्टिस करवाइए, फिर सेंटर में मिलाना है. ठीक है, और अब जब हम दूसरे अल्फाबेट सिखाते हैं तो हम गलती ये करते हैं कि हम नेक्स्ट अल्फाबेट बी सिखाते हैं, फिर सी सिखाते हैं. एक्चुअली न्यू एजुकेशन थियोरी के हिसाब से वी शुड नॉट कंफ्यूज चिल्ड्रन. टी सिखाते हैं. मम्मा क्या सिखाते हैं? टी सिखाते हैं. वेरी गुड. तो हम बी सी डी ये सब पहले नहीं सिखाना चाहिए. न्यू एजुकेशन थ्योरी के हिसाब से आप लोगों ने चिल्ड्रंस को पहले लाइंस वाले अल्फाबेट सिखाना चाहिए, और जब आप सर्कल्स पे आओ तब हाफ सर्कल और फुल सर्कल वाले. लाइक अभी जब हमने सिर्फ लाइन सिखाया है तो हम बी सिखाएंगे तो इसमें हाफ सर्कल्स आ जाते हैं. तो आप हाफ सर्कल्स वाले अल्फाबेट्स अभी मत लीजिए, पहले सिर्फ लाइन वाले अल्फाबेट लीजिए. लाइन वाले अल्फाबेट्स जैसे ए, ए के बाद हम ले सकते हैं टी, एल, एम, ऐसे वर्ड्स लीजिए. तो Alina को हमने टी भी सिखाया है. तो जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारे डॉट्स का गैप बढ़ जाता है जब बच्चों को नियर बाय डॉट्स, पहले हम ऐसे देते हैं तो जब उन्हें नियर बाय डॉट्स से बनाने आ जाता है तो आप उन्हें गैप बढ़ा दीजिए डॉट्स का, जिससे उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाए लाइन्स की. यहाँ से बेटे
सो व्हाट इज दिस? टी, राइट. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, एक एक अल्फाबेट की काफी सारी आप प्रैक्टिस कराएंगे तो उनको वो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी. ठीक है, तो अभी जो है जब बच्चों को, जैसे अलीना को ए और टी पता है, तो अगर आपको, आपने ए सिखाया तो ए सिखाने के बाद आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाइए, जैसे बी, टी, ए पे सर्कल करो, ये वेरी गुड. तो इस तरह से आप वन वन पेज उनको प्रैक्टिस कराएंगे. तो बहुत सारे वर्ड्स लिखिए आप एक शीट पे और आप उन्हें प्रैक्टिस करवाइए, इससे क्या होगा उनको अंडरस्टैंडिंग आएंगी वर्ड्स की. राइट, सर्कल टी, सर्कल टी, टी का, टी को सर्कल करो, ये ए को सर्कल करो, राइट. तो इस तरह से आप बच्चों को पूरी पूरी पेज की वर्कशीट दे सकते हो बना के, जिसमें आप उन्हें जो नंबर्स आपने, जो अल्फाबेट्स आपने सिखाए हैं वो अल्फाबेट्स आप उन्हें सिखाइए और उसका टेस्ट लीजिए, तो उनको जल्दी से समझ में आएगा. समझा ली ना? यू हैव डन वेरी गुड जॉब, वेरी गुड गर्ल. थैंक यू, से बाय टू एवरीवन. बाय.